हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का टाइम है, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमें कोशिश करनी है कि जितना से ज़्यादा हो हम घर में रहे, बिल्कुल बाहर ना निकले अनलेस एंड अंटिल कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो इस टाइम पे जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन था, हम सोचते हैं कि एक बार में एटलीस्ट ज़्यादा सामान ले लें ताकि बार बार हफ्ता 10 दिन तक बाहर ना निकलने पड़े। इस तरीके से मैं फ्रूट्स ले आती हूँ कि जब भी मैं जाती हूँ मैं खूब सारे फ्रूट्स ले आती हूँ कि मुझे 10 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। पर लेकिन फ्रूट्स टिकते कहाँ हैं, गर्मी इतनी है, अब वो टिकने का नाम नहीं लेंगे। खास करके आम, आम हमें बहुत पसंद है समर में खाना, इतने सारे ले तो आते हैं पर वो जल्दी जल्दी गलना और सड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप आम को आम के स्टोर कर सके ताकि आपको इजीली मैंगो शेक रोज पी सके और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे बनता है ये। ये आम है ना, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है सिंदूरी, क्योंकि इनका अमरस ना बहुत अच्छा बनता है, खट्टा भी और मीठा भी। मैंने जो भी आम लाती हूँ चाहे खाने के लिए हो या जब भी हो, धो के तो हम रख ही रहे हैं लॉक कोविड की वजह से, बट जब भी आपको खाना हो कोशिश करें कि आधा से एक घंटा एटलीस्ट उसे पानी में भिगो दें। एटलीस्ट 15 मिनट ही सही, पर पानी में भिगो दें, क्योंकि आम जो है ना गर्मी करता है और पानी में ऐसे जब हम भिगो के रख देते ना तो वो उतनी गर्मी जो उसके अंदर की होती है ना काफ़ी निकल जाती है और हमारे लिए ईजी होता है उसे खाना। ये देखिए मैं ऐसे काट रही हूँ। और एक और ट्रिक, छिलके ना आप पीलर से पील कर सकते हैं, काफ़ी पतले पतले उतरेंगे, पर मैं नाइफ से ऐसे खींच रही हूँ ताकि इनमें ये हल्का हल्का आम आए और इन छिलकों की मैं बाद में एक सब्जी बनाऊंगी जो हम मारवाड़ियों में खूब बनती है। इस तरीके से छिलके छील लेंगे ताकि इनके आम हो ना थोड़ा लगा हो और सब्जी बढ़िया सी बने। कुछ इस तरीके से मैंने सारे छिलके उतार के रख दिए, इनको मैं अलग रख देती हूँ। ये सारे आम मैंने छील लिए हैं, अब एक बड़े से भगोने में अच्छे से ये देखिए ऐसे स्क्रेप करते हुए मैं सारा पल्प इनका निकाल लूँगी और गुठली कर दूँगी अलग। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारा पल्प मैंने गुठलियों से निकाल लिया है, ये रहा वो सारा पल्प। अब मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से, आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं हो आप मिक्सी में डाल के प्यूरी कर लो। ये देखिए मैं ब्लेंडर से प्यूरी बना लूँगी। अब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, ये देखिए ब्लेंडर से एक बढ़िया प्यूरी सी बन जाती है। आपने पानी इसमें एक ड्रॉप भी नहीं डालना, बिना पानी के प्योर इसकी प्यूरी निकालनी है। और मैं ये छन्नी से छान रही हूँ, तो अगर आप नहीं छानना चाहते वो आपकी मर्जी, पर मैं इसीलिए छानती हूँ क्योंकि जब मैंगो शेक या अमरस बनता है वो रेशे आम के मुंह में आते ना तो बड़े गंदे लगते हैं, तो इसीलिए मैं इसको छान लूँगी। देखिए कितना गहरा पल्प है हमारा। अब इस तरीके से पूरा मैं छान के कर लेती हूँ तैयार। ये देखिए कितनी स्मूथ सी मैंगो पल्प बन गया है, कितना गाढ़ा है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं अब इसे एक स्टील के डब्बे में ट्रांसफर कर देती हूँ। सुपर, आज एक में ही आ गया। जब समर्स ख़त्म हो रहे होते ना तो मैं यही करती थी कि मैं कम से कम 10-15 किलो आम ले आती थी और संडे के दिन हम सुबह सुबह ले आते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं छीलती काटती और वो फटाफट मिक्सी में पीसते और छानते। 10-15 किलो हम मिनिमम ऐसे करके बड़े बड़े जो मेरे स्टील के डब्बे हैं उन सब में भर के हम फ्रीज़र में रख देते। अब ये जो प्यूरी है ट्रस्ट मी 3 महीने तक तो ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती, इनफैक्ट आप 6 महीने भी इजीली रख सकते हैं। पर मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि इतना लंबा आप किसी चीज़ को फ्रीज़ करें। अब ये जो है ना मेरे हफ्ता भर चलेगा, हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन, क्यों रोज़ निकलेगा, हस्बैंड के सुबह ऑफिस के लिए मैंगो शेक बनेगा और बहुत इजीली बन जाता है। बॉटल में आपने दूध डाला, पल्प निकाल के स्क्रेप करके उसमें डाल दिया और ये फटक से घुल गया और कुछ पीछे नहीं लगना पड़ता है। मेरा बेटा भी खुद भी बना सकता है, अब स्क्रेप कर लेता है। हमने इसे दिसंबर तक खाया है इस प्यूरी को और बिल्कुल भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉकडाउन के टाइम ना मुझे लगता है जो मैं स्टोरिंग करती थी कि भाई दिवाली पे कुछ डेजर्ट्स बनाऊंगी मैंगो के और दिसंबर में भी, तो बहुत इंप्रेसिव लगता है फ्रेंड्स को, अरे मैंगो बना लिए तुमने इस सीज़न में, तो और हस्बैंड को बड़ा शौक था।
पर लेकिन अब लॉकडाउन बोल के ना मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम बढ़ गया है, हेल्पर्स नहीं है, बच्चे घर पे हैं सारा टाइम, कभी ये करना है वो करना है, पढ़ाई पे, मतलब हमें 24 घंटे ऐसे लग रहे हैं कि कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए। सो उस टाइम पे ना ये सब चीज़ें, सुबह सुबह उठ के, जैसे मैं आज सुबह सुबह उठ के जल्दी करके रख देती हूँ ना, फ्री हो जाती हूँ पूरे हफ्ते के लिए, कि जो मैं 15-20 मिनट मुझे लगते हैं एक मैंगो शेक बनाने के लिए दिन में, अब मेरा जल्दी बनेगा। सो इसे आप लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ दिन पहले मैंने एक बनाया था जो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगा। सो मैं क्या करती हूँ, फ्रीज़र से निकाल के ढक्कन लगे हुए में थोड़ी देर पानी में नीचे रख देती हूँ, ताकि ये जो है ना डीप फ्रीज हो जाए। 15-20 मिनट में ना इसमें आप इजीली स्कूप कर सकते हैं, चम्मच से लेके स्क्रेप कर करके मैं खूब सारा निकाल लेती हूँ। इनफैक्ट जैसे कई बार मैं जल्दी उठ के, मुझे याद आ जाता है, मैं 6 बजे निकाल कर रख देती हूँ, तो भाई 7:30 जब मेरी वॉक और एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है ना, तो ईजिली निकल जाता है। फिर ढका और फ्रिज रख दिया फ्रीज़र में। सो ये तरीका है आपके मैंगोज़ को स्टोर करने का। इससे फ्रीज़र में आपका रोज़ रोज़ का काम बच जाएगा, फ्रीज और फ्रिज में आपके खूब जगह बचेगी और भी सब्जियां और फ्रूट रखने के लिए। तो आई होप आपको आज का ये नुस्खा पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चटोरी रजनीज किचन। बाय बाय।